एक फोटो करनी ना कुमार की हो जाए और भी कौन रहा है और भी रहा है उनको बुला लो सभी यही है वो कोई आप साइलेंट है आपकी ये वाली वैली बोलना है इसमें हम बोले हां बोले ट्रैक ऑन एक्शन आएगा नहीं तो स्टैचू आएगी ट्रैक ऑन करवा दो मेरे ये तो स्टैचू आएगी Yeah.
प्रेसिडेंट टीम YPSS, सारे मीडिया का आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि एक अच्छे काम के लिए आप सभी कवरेज देने के लिए हमें यहां पहुंचे हैं। और आज की ये जो हमारी रैली है, ये कोई पहली रैली नहीं है हमारी। इस तरह की बहुत सी रैलियां हमने पंजाब में और देश के अन्य भागों में भी की हैं, और आज जहां जगाधरी में करने का अवसर प्राप्त हुआ है। हमारी ये रैली जो है, ये बिल्कुल अलग तरह की है, जिसमें हम ये मांग कर रहे हैं बिल्कुल अलग तरह की, क्योंकि पहले ऐसी किसी ने नहीं। हमारी मांग है कि जो फिल्मों में गंदे अश्लील दृश्य दिखाए जाते हैं, जो हमारे सिंगर्स गन कल्चर को प्रमोट करते हैं, गैंगवार को प्रमोट करते हैं, जिसकी वजह से गुंडागर्दी बढ़ती है, जिनकी वजह से छेड़छाड़ बढ़ती है, लड़कियों के साथ बसों में स्कूल स्टॉप पर गलत हरकतें होती हैं, उसका जो कारण है वो ये गंदे गाने हैं, वो ये जो हमारा OTT प्लेटफॉर्म है, वेब सीरीज चलती हैं, उस पर जो अश्लीलता परोसी जाती है, ये उसका कारण है। बहुत से ऐसे क्रिमिनल पकड़े गए हैं, जब उनसे पूछा गया कि भाई तुमने ये क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि मैंने ऐसी फिल्में देखी थी, मैंने पोर्न देखी थी, मैंने ऐसी वेब सीरीज देखी थी, और डायग्नोज नहीं कर पा रहे लोग। समस्या ये है कि डायग्नोज नहीं कर पा रहे कि ये समस्याएं क्यों आती हैं, बदमाशी क्यों होती है, गैंगवार क्यों होती है, गन कल्चर जो प्रमोट करते हैं ना गानों में, फिल्मों में, बॉलीवुड वाले, उस वजह से ये सारी समस्याएं आती हैं। और हमारी आज की जो डिमांड है वो ये है कि एक सेंसर बोर्ड होना चाहिए, एक ऐसा सेंसर बोर्ड होना चाहिए। देखिए, आप सभी जानते हैं कि जैसे वेब सीरीज चलती हैं, OTT प्लेटफॉर्म पर जो भी चलता है, जिस तरह से सिंगर्स हैं जो मर्जी गा देते हैं, गन कल्चर को प्रमोट करते हैं, उसको गैंगवार को प्रमोट करते हैं, तो उस पर कोई सेंसर बोर्ड नहीं है। जो हमारा सेंसर बोर्ड अब तक बना हुआ है वो सिर्फ दूरदर्शन पर जो फिल्में चलती हैं, सिनेमा पर जो फिल्में चलती हैं, उनके लिए है। लेकिन ये वाली चीज़ें जो हैं, सिंगर्स जो हैं, या ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो भी चलता है, तो आजकल तो इसका दायरा बहुत बढ़ गया, उस पर कोई सेंसर बोर्ड नहीं है। हम ये डिमांड करते हैं कि उस पर सेंसर बोर्ड होना चाहिए। सरकार के द्वारा जो सेंसर बोर्ड बनाया है, आप